भाजपा पिछले 7-8 वर्षों से नीतीश कुमार को बिहार पर थोप रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है। 2020 में बिहार में सबसे बड़ा दल भाजपा है, तो अगर आपको नीतीश कुमार के साथ भी गठबंधन बनाना है तो आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, और न भी बनाइए तो अगर आपका उप मुख्यमंत्री है तो जो बिहार को लेकर वादे किए गए हैं, बिहार में स्थिति, बिहार में अगर गरीबी है, पलायन है, तो उसकी जिम्मेवारी भी भाजपा को लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री आप बनाइएगा और बिहार में जो बदहाली है उसका जिम्मा आप ठोकिएगा लालू जी के नाम पे। जंगल राज था, इस वजह से तंग हो अभी अच्छे हो गए, अभी अच्छे हो गए हैं, अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे। अरे आगे क्या, अभी पिछले पांच वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। ये भाजपा वाले कहाँ किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं आपको, अरे सुनिए समीकरण की बात, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिस तरह इसलिए भुगतेगी, जिस तरह कांग्रेस को लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार में, क्योंकि लोगों ने कहा कि लालू यादव की ताकत नहीं थी कि बिहार में ये कर सके, उसको कांग्रेस की मदद से लालू यादव कर पाए। उसी तरह बिहार की जनता आज ये देख रही है कि नीतीश अपने दम पर बिहार नहीं जीत सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इन नीतीश कुमार को हम लोग पर थोप रही है भाजपा की सरकार, भाजपा, तो इसलिए दोष भाजपा का है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये मेरा विश्लेषण रिकॉर्ड करके रखिए, और विधानसभा में भाजपा को इसकी भारी कीमत अगर न चुकानी पड़े तो आप मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। और आप किसी भी सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक से जाके बिहार में बात कीजिए, वो कैमरे पे तो नहीं कहेगा डर के मारे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कहेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। नीतीश कुमार के बड़े हितैषी बन रहे हैं। अरे हम कहा भाजपा के हितैषी, हम क्यों हितैषी बनेंगे, हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तीर उन्होंने इस नाते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर बितर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। 2020 के चुनाव में एक सीट ज्यादा थी आरजेडी की, एक सीट कम थी, 74-75 पे नहीं थे। नहीं ऐसी बात नहीं है, बीजेपी और ठीक बात है। हाँ। इनके ये तो बीजेपी इतनी बुरी कंडीशन में कहाँ है, नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है, बीजेपी तो बिल्कुल स्वीप पर जाती है। किसने कहा, किसने कहा स्वीप किया भाई, 2015 में यही अहंकार में ये लोग आए थे, 55 सीट भाजपा को टोटल आया था बिहार में, अकेले और अकेले नहीं लड़े थे भाई, उस समय भी हम के साथ थे, चिराग पासवान के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे, अकेले अकेले कभी उनका लड़ने का दम नहीं है। नीतीश नहीं साथ में, सुन तो लो मेरे भाई, पिछली बार नीतीश जी साथ में थे तो भी भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया है। तो आप लोग भाजपा को बिहार में इतना बड़ा तोप दल बताइए मत। बिहार में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो नीतीश के साथ चुनाव लड़े तो उनको, आपके दर्शकों को, इंडिया भर के दर्शकों को बता रहा हूँ, 19.6% वोट बिहार में भाजपा को आया था। उनकी इतनी ताकत है, और वो अब और खराब होगी। नीतीश को वो चेहरा बनाकर अगर लड़ते हैं तो उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। क्या है उनके पास, अब नहीं है तो आप वो जाने, हम कोई भाजपा, अरे भाई अब